साथ शिवम सोनी। खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूरे प्रदेश में तीन चरणों में ये मतदान होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। 30 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 6 जनवरी तक चलेगी। वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। 9 जनवरी के बाद चुनाव चिन्हों का वितरण होगा और 28 जनवरी को पहले चरण का मतदान होगा और इसके बाद 31 जनवरी को दूसरे और 3 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में 7:45 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। बाकी जगहों पर 7:00 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव में 1,40,00,000 मतदाता मतदान करेंगे। वही मतदान खत्म होने के तुरंत बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। इस वक्त ठाकुर राम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि दिन तारीख समय किस तरह की और तैयारी है इस चुनाव को लेकर। सर देखिए, त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन की आज घोषणा कर दी गई है। 30 दिसंबर को सभी जिलों में एक साथ अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंच, सरपंच, जनपद के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, इन पदों के लिए नामांकन लेने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। तीन पदों के लिए विकास खंडों में और क्लस्टर में 1520 स्थल बनाए गए, जहां पर ये नामांकन लिए जाएंगे। जिला पंचायत के सदस्यों का जो नामांकन होगा वो जिला मुख्यालय पर ही होगा, कलेक्टर्स के आरओ होते हैं। और तीन चरणों में ये मतदान संपन्न कराया जाएगा। प्रथम चरण 28 दिसंबर, द्वितीय चरण 31 दिसंबर और तृतीय चरण 3 फरवरी। और मतगणना, जैसा कि मैंने कहा, मतगणना मतदान के ठीक उपरांत मतदान केंद्र पर ही होगा। किन्हीं कारणों से अगर वहाँ मतदान नहीं हो पाता है और उसके कई अन्य कारण होते हैं, उस स्थिति में जनपद पंचायत के मुख्यालय पर उसके ठीक अगले दिन मतगणना कराई जाएगी। तीन चरणों में मतदान होने हैं, क्या इनके समय सब एक ही है कि अलग अलग? देखिए, अलग अलग समय रखा गया। बस्तर के कुछ क्षेत्र में, अधिकांश क्षेत्र में मतदान का समय प्रातः 6:45 से 2 बजे तक रखा गया है, प्रातः 6:45 से दोपहर 2 बजे तक। बाकी पूरे प्रदेश में जो समय है वो प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को ही सबसे पहले हमारा फैक्टर वही होता है। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की गई है, उसको ध्यान में रखा गया है। उसको ध्यान में रखते हुए ये चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और लगभग किसी जिले में 3 चरण, किसी में 2 चरण, लेकिन सभी जिलों में ये चुनाव चरणों में संपन्न होगा। आचार संहिता की बात करें तो आज आपने ये घोषणा कर दी, आचार संहिता कब से लागू है? देखिए, निर्वाचन आयोग ने आज घोषणा की है, तो घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभाव में आ जाता है। तो मेरे घोषणा के साथ ही, आयोग की जो घोषणा है उसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावशील हो गई है। मतदाता की बात करें तो कितने मतदाता इसमें शामिल होंगे इस चुनाव में? 1,44,00,000 से अधिक मतदाता इस निर्वाचन में भाग लेंगे, जो 4 मत पत्रों का उपयोग करेंगे और 4 पदों पर मतांकन करेंगे। प्रत्याशी की बात करें तो? प्रत्याशी तो संख्या अभी नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि वो तो जब नामांकन होंगे तब प्रत्याशी मान चलेगा किस पद पे कितने प्रत्याशी सामने हैं। पदों का मैंने आपको ब्यौरा दिया कि इतने पद हैं, अलग अलग पदों पर अलग अलग संख्या है। तो अभी आपने सुना राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह का, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का संपूर्ण जानकारी दी। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और भिलाई से है।